ये सफ़ेद रंग का फूल है, ये गुच्छा में आता है और इतना सुंदर इसका पेड़ लगता है जब फूलों से लग जाता है। गर्मी आते ही इसके फूल आने इसमें शुरू हो जाते हैं, ठंड में नहीं आते हैं लेकिन पूरे गर्मी और बरसात तक इसके फूल रहते हैं और हल्की सी सुगंध होती है और एकदम सफ़ेद रंग का बहुत अच्छा लगता है फूल। और इसके गुच्छे को भी अलग हम कर सकते हैं और अलग करके फिर इसको भगवान को समर्पित कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को, भोले बाबा को, विष्णु भगवान को, सूर्य भगवान के अर्घ में भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा पुष्प है और इसका पेड़ होता है, इसके पेड़ छोटे से बहुत बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन इसके पेड़, इसका पेड़ होता है। और मैंने तो ज़मीन पे लगाया है और गमले में लगेंगे कि नहीं इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत सुंदर पेड़ होता है और इसके पत्ते कटहल की तरह होते हैं इसलिए हम लोग इसको कटहरी का फूल बोलते हैं। जो गर्मी आती एकदम फूलों से लग जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद फूल के गुच्छे, और भगवान को भी समर्पित किया जाता है। तो इस तरह के प्यारे से पुष्प को भी अपने गार्डन में स्थान देना चाहिए, गमले में भी लगा सकते हैं, श्योर तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि गमले में भी ये अच्छी मात्रा में आना चाहिए और अच्छा से उसका देख रेख किया जाए तो। और भगवान को समर्पित करने में बहुत सुविधा, बहुत सारे फूल निकलते हैं इसमें और बहुत प्यारा पुष्प है ये।